नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज मैं ज्योति लाई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो और एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो मिनिमलिस्टिक वर्ड है, मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक, क्या ये स्कैम है या फिर ये एक बस फैंसी सा वर्ड है? क्या लगता है आपको, क्या ये एक रियलिटी है? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये है क्या। तो मेरे को मिनिमलिज्म से कोई भी लेना देना नहीं था। मैं एक इस प्रकार की इंसान थी जिसका क्लोजेट पूरा का पूरा कपड़ों से हमेशा लदा रहता था। इतनी मुश्किल होती थी कि जबरदस्ती कपड़े घुसा घुसा कर बंद करने पड़ते थे। पर एक दिन एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जहां पर एक छोटी सी अलमारी मिली रहने के लिए, छोटी सी अलमारी जो कि मेरे कपड़ों के अटैची से भी 4 गुना छोटी थी। इतनी छोटी कि मैं सोच रही थी उसमें मैं अपना सामान कैसे डालूंगी। पर अब सामान तो डालना था, अटैची से निकालना था, तो अब क्या करना था? तो उस चीज ने, उस घटना ने मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया। इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं ये सोचने लग गई, क्या मुझे सच्ची में इतने सारे कपड़ों की जरूरत है? और दूसरा सवाल जो मेरे मन में आया कि अगर इतने सारे कपड़े हैं तो वो यहां रखे तो जाएंगे नहीं, तो करूं क्या? वो जो सबसे पहला सवाल था कि मुझे क्या सच्ची में जरूरत है, उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं दिन रात सोचती गई और फिर एक पॉइंट आया जब मैंने सोचा, यार एक चैलेंज लेके देखते हैं, 3 क्लोथ चैलेंज, यानी 2 कपड़े और 1 नाइट सूट। आज एक कपड़ा पहनेंगे, कल सुबह उसे धोएंगे, फिर कल एक नया कपड़ा पहनेंगे और फिर परसों कल वाले कपड़े को धोएंगे और ऐसे अल्टरनेटिवली ये कपड़ा पहनेंगे और 1 नाइट सूट, दैट्स इट। और वो जब नाइट सूट धुलेगा तो वो अल्टरनेटिवली 1 कपड़ा पहनेंगे, तो 3 कपड़े बस। तो इनिशियली जब इसने मैंने ये चैलेंज लिया, काफ़ी डिफिकल्ट था। मतलब मेरे लिए इवन सोच पाना कि मैं सिर्फ इन 3 कपड़ों में रहने वाली हूँ, ही बहुत डिफिकल्ट था। पर मैंने अपने सारे के सारे कपड़े लॉक करके रख दिए और ये 3 कपड़ों को अपने सामने रखा। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आई। पहला हफ्ता बहुत डिफिकल्ट था, दूसरा हफ्ता काफ़ी डिफिकल्ट था, तीसरे हफ्ते में जाके थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई, चौथे हफ्ते तक यानी 1 महीने के अंदर मैं पूरी कंफर्टेबल हो गई। और तब एक फीलिंग आई, वाओ, यस आई कैन, मैं 3 कपड़ों में भी अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। चलो ये तो थी एक बात जो मुझे समझ आई, पर इन 3 कपड़ों में लाइफ बिताने के साथ जो मुझे पीस ऑफ माइंड मिला, जो सेटिस्फेक्शन मिला, और सबसे बड़ी चीज जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, हैप्पीनेस मिली। तो मुझे लगा यार हैप्पीनेस मिल सकती है, और तो और मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर 3 कपड़ों में रह सकते हैं तो फिर इसका मतलब पैसे कमाने की जरूरत बहुत हद तक कम हो जाती है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं रैट रेस से दूर भाग सकती हूँ, यानी मेरे को रैट रेस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब लोग की तरह जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं वो काम कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो जब से ये सोच मैंने अपनाई अपनी जिंदगी के अंदर, तब से लेकर आज तक मेरी जिंदगी काफ़ी बेटर हो गई है, काफ़ी रिलैक्स रहता है मेरा माइंड, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं किसी भी बात का, समझ आ मेरा माइंड, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस आ गया कि एक्चुअली में जो मिनिमलिस्टिक का कॉन्सेप्ट है ये कोई फैंसी वर्ड है ही नहीं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। स्पेशली आज के वर्ल्ड में जहाँ इतनी शो ऑफ है कि अगर आप एक कपड़ा रिपीट कर लो तो अरे तुम तो तब पहना था ना, कि अरे तुमको क्या, मैंने कब पहना था कब नहीं पहना था, मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं पहन रही हूँ। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो या बस एक फैंसी वर्ड की तरह लिखना चाहते हो, यू नो मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक, ऐसा करना चाहते हो? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं और कोई अपनी मिनिमलिज्म की स्टोरी मुझसे शेयर करें।
अगर आप वो स्टोरी मेरे से शेयर करेंगे तो एक रिवॉर्ड है आप सबके लिए जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।